अभी हम यहाँ पे खरीद रहे हैं सब्जी। कुछ तो ये रख दिए, कुछ ये रही। भैया गायब, भैया कहाँ गए? ये हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी लोग? सॉरी सुप्रभात बोल रही हूँ मैं, दिन के बज रहे थे ना अभी तो, सुप संध्या आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की सुबह शाम के 3 बजे से हो रही है, और जाहिर सी बात है शाम के 3 बजे से हो रही है तो मेरी छुट्टी होगी आज की। तो मैंने छुट्टी करी है, तो मैंने छुट्टी इसलिए करी क्योंकि मैंने बताया था आप सभी लोगों को 25 तारीख को मुझे दोबारा से डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए। तो फिर से RCT के लिए फिर इंजेक्शन लगवाएंगे वो तो थोड़ा सा इंजेक्शन से डर भी लग रही है। पर्ची मैंने पकड़ लिया हाथ में और सिस्टर को उठाती हूँ, थोड़ा वो सो रही थी ना। अब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो धूप में निकलने की इच्छा नहीं होती है बिल्कुल नहीं बाहर। तो चलो चलते हैं बाहर और देखते हैं वेदर कैसा है। अभी तक तो पता है बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो रखा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था बारिश आने वाली होगी, लेकिन अब बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। लग तो नहीं रहा कि बारिश आएगी क्योंकि अब उमस सी होने लग गई है फिर से। तो अभी निकल रहे हैं मैं और मेरी बहन, लगभग बज चुके हैं 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह रखे हैं। इससे पहले सुबह के टाइम पे जा रहे थे लेकिन फिर वही है, टाइम निकलता गया पता ही नहीं चला। ऊपर से मुझे कहीं और भी दिखाना है खुद को, दिखाती ही रहती हूँ। अब इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है डॉक्टर के पास जाना मेरा, वरना तो और बार नहीं होता। अभी ये स्कूटी बाहर निकालेगी, चलते हैं, मैं निकलती हूँ। तब तक आगे तक तो जा ही सकती हूँ, मेरी बहन ने आगे देखा, गाय को देखा। ये देखिए कल चुनी दी उसने, यहाँ पे गाय आ रखी एक, पता नहीं तुमने उसके अंदर देना था, उसका गला नहीं दर्द हो रहा होगा उसमें? वो निकल के बाहर निकल के कर रही है ना, ये चुभ नहीं रहा होगा उस पर? अच्छा कह रही कि आने नहीं दे रहा था, अंदर मार रही थी वो। कितनी बड़ी गर्दन है इसकी क्या? अभी हम यहाँ पे खरीद रहे हैं सब्जी। कुछ तो ये रख दिए, कुछ ये रही। भैया गायब, भैया कहाँ गए? ये लो तरबूज भी खाओ, तरबूज जरूर लेके जाता हम गर्मियों के टाइम पे। और ये 25 रुपए, और इससे बड़े बड़े जो हैं वो 20 रुपए, वो सॉरी 30 रुपए किलो। छाटने में दिक्कत हो रही है पर इनको। तो डॉक्टर के पास से आ चुके हैं हम घर, और यहाँ पे हमारे कालू श्री बाहर घूम रहे हैं, माता श्री को बाहर लेके आते हैं क्योंकि अंदर कितने ही टाइम हम पंखा चलाएं और बिजली का बिल आ गया आज 1800 रुपये। हमारा बिजली का बिल आया आज पट 1800 रुपये बिल आया हमारा मेरा तो प्राण यहाँ तक आया था, क्योंकि और बार हमारे कम बिल आता था ना, नहीं भी तो 600, 700, 800 इतना तक आता था, इस बार सीधा 1800 आ रहा है। तो मम्मी की चेयर लगा दी मैंने वहाँ पे और माता श्री को लेके जाते हैं ऊपर। चलिए चलते हैं, मम्मी जाओ, मैंने पीछे से हूँ ना, चलो चढ़ने की कोशिश करो, मैं हूँ आपके पीछे, चढ़ो चढ़ो तो सही। एक बार ये क्या चढ़ रहा है मेरे ऊपर? कुछ नहीं चढ़ रहा, रहने दे, तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, मैं ले जाती हूँ। जी मच्छर चिपक रहे हैं आप पे, चलो तनु से मच्छर मच्छर काटने के लिए बैठे हैं, उसको लेके चले जाओ। उसको यहाँ पे सफाई कर दिया मैंने, बाहर पानी आ रहा था नहर में, तो चलिए माता श्री बैठिए, चला गया वो उधर, बैठिए नहीं गिरता, घूमो और घूमो आराम से, पहले इसको छोड़ो और चेयर पकड़ो, इसको छोड़ो, अरे इसको छोड़ो और चेयर पकड़ो, देखो क्या कर रहे बियोलछी बियोली, तो आप बियोली बियोली, चले यहाँ पे एक्सरसाइज करो, आपकी एक्सरसाइज होगी यहाँ पे। मैं कह रही कब से करो एक्सरसाइज, कब से बोल रही हूँ मैं एक्सरसाइज करो, करो एक्सरसाइज, कुछ नहीं होता, जो आप एक्सरसाइज करो बस, अरे आप एक्सरसाइज करो, मैं कह रही करो एक्सरसाइज,
और नीचे झुको, करो, सब देख रहे हैं आपको। ये बोलते हैं कि मम्मी को सिर्फ एक दो दिन करवाते हो, उसके बाद फिर नहीं करवाते हो। मेरे को जब टाइम मिलता है मैं हमेशा करवाती हूँ। क्या बढ़िया हवा तो छोड़ो, देखो गप मान लग जाएगी फिर बीच बीच में। अभी पहले 10 तक वो करवा, वो वाली एक्सरसाइज करो जो कर रहे थे अभी। ऊपर सीधा, ऊपर और सीधा, ऊपर सीधा, ऊपर सीधा, हाँ मम्मी क्या करती है? मम्मी के पास बहाने बहुत है। मम्मी के पास कुछ बोला, एक्सरसाइज करो, 5 ही हुए अभी, करो। इधर ये जिद्दी हैं और इधर ये वाले, ये भाई साहब जिद्दी हैं। देखो इनको जाना है अंदर। क्या है अंदर रखा हो, हैं? रोटियां सब्जियां बनाओगे क्या मल्ले, हैं? बाहर घूम लो, इतनी प्यारी शुद्ध हवा चल रही है। वो आपको नहीं, वो नहीं करना है आपको। क्या कर, अब मैं आपको देखती रहूंगी, अब मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। फटाफट एक्सरसाइज करो, नहीं तो मैं फिर जबरदस्ती करवाऊंगी आपको। क्या तो मेरी बहन कितने टाइम से इसमें पानी डाल रही होगी ना, तो देखो ये भी अच्छे से खिल रखे हैं, वो फूल भी अच्छे से खिले हुए हैं पूरे। दिखाती हूँ मैं आपको अच्छे से। कितने बहाने करती हैं। आगे को आ जाओ, आप करो, मेरे को बहाने नहीं चाहिए, मैं 10 तक गिरूंगी। देख रहे हो कितने गुस्सा कर रही है, सब दिख रहा है यहाँ, क्या सोच रहे हो, सारा रिकॉर्ड होता है। गुस्सा करती हैं अभी, देख तक वहां तक चला के आऊंगी 10 चक्कर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी जूते जूते चप्पल सब ले आऊंगी, तो जूता की थोड़ा सा मंदिर भी ले जाना है एक दिन आपको। अरे कब तक घर पे रहोगे मम्मी, थोड़ा सा घूमा फिरा करो। नहीं नहीं कल नहीं, आज ही जाओगे आप, आज आपको घुमा के लेके आएंगे, एक्सरसाइज करो, कल आपको मंदिर घुमा के लेके आएंगे, ठीक है? स्कूटी में बिल्कुल पैदल जाऊंगी, वहां पे तो तन्नू पीछे से स्कूटी लाएगी, जहां से जहां थक लगेगी तब। व्हील चेयर में नहीं बैठना, वो बैठना बंद कर दो आप, व्हील चेयर में कह रही, व्हील चेयर फिर कुछ नहीं हो रहा है। चलो एक्सरसाइज करो, देखो चलो मैं बाल खोल रही हूँ और चलो एक्सरसाइज, ना ना एक्सरसाइज करो, आप करो एक्सरसाइज, आप करो एक्सरसाइज, देख रहे हो, जिनको ठीक नहीं होता ना, ठीक नहीं होना होता ना, उनके पास दुनिया भर के बहाने होते हैं उनके पास। अब वो क्या, राहुल जी बोल रहे थे ना कि मम्मी को करवाते नहीं हो, ये नहीं वो नहीं, उनको सबको पता चल जाएगा, वो सब अब वो देखेंगे ना आराम से, वो देखेंगे तो सही कि हम करवाते हैं लेकिन मम्मी करती नहीं है। कितने बहाने मिलाए अभी तक, कभी बोल रही अभी मैंने बाल खोला, इससे पहले मम्मी के बाल के बहाने थे कि मेरे बाल में हो रही है दर्द हो रही है मेरे बाल में, तो मैंने बाल खोला, अब कह रही मेरे बाल क्यों खोले कि मुझे गर्मी हो रही है। इतने बहाने, मतलब जिनको करना नहीं होता ना उनके पास इतने एक्सक्यूजेस होते हैं, उनके पास बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं जो करना नहीं चाहता कुछ। बर्तन दोगे आज से, आप आपके बर्तन धुलवाएंगे आपसे आज। फिर तो यहाँ पे मैं खुद ही कराने लग गया मम्मी को एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे पता था मम्मी ने इसके बाद भी एक्सक्यूजेस ही देने हैं, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही करवा दूं। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करवाने लगी थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो दर्द हो गई, क्योंकि मम्मी करती नहीं है बिल्कुल नहीं, बैठी रहती हैं 24 घंटे में, देखती हूँ कई बार उन्हीं के सामने में वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुंह पे देख रही हैं, पर सही में बैठी रहती हैं बहुत बार, लेकिन करने का नामो निशान नहीं है। मतलब कि हम खुद से करवाएंगे तो करेगी, फिर थोड़ी देर करेगी, उसके बाद फिर गप मान लग जाएगी। और अभी मैं वीडियो जब यहाँ पे एडिट कर रही हूँ ना, तो सबके लिए कुछ ना कुछ बोले जा रही है कि सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं कि मुझे। अभी बुआ आई तो बुआ के लिए भी बोल रही थी, तो ले जा क्या, अब तो ले जा, देख रहे हो क्या बोल रही है, हाय बहन आप तो ना देखो, आप देखो सब देखेंगे आपकी वीडियो। तो यहाँ पे एक्सरसाइज तो करवानी बहुत जरूरी है। तो देख रहे हो,
माता श्री को लेके जा रहे हैं हम अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मच्छरों ने कर दिया मम्मी को परेशान। मम्मी हो चुकी है परेशान, लेकिन मम्मी ने एक्सरसाइज नहीं करी ढंग से, तो मम्मी अंदर जाके भी एक्सरसाइज करेगी। आज मम्मी को हम पूरी एक्सरसाइज करवाएंगे, जो प्रथम दाया पहले सीधा खड़े हो जाओ, पहले सीधा खड़े जाओ, सीधा खड़े जाओ, सीधा खड़े जाओ, ऐसे 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 अरे चलो ऐसे चलो ऐसे पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैंने पकड़ो आपको, चलो अरे करो आप करो, कुछ नहीं देगा कोई नहीं देगा, दाया हाथ आगे करो ऐसे, बाया हाथ पीछे 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 पकड़ो, सीधा 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 सीधा, अच्छा कर रहे सीधा, कुछ नहीं होता, हाँ सीधा सीधा खड़ा होने की कोशिश करो, सीधा खड़ा होने की, हाँ सीधा सीधा ऐसे सीधा, चलो वहां तक चल के दिखाओ, चलो जैसे नॉर्मल इंसान चलता है वैसे चलना है, चलो चलो चलो, हाँ चलो 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 चलो, आ जाओ उधर, आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ उधर, नहीं बैठना इधर आओ मेरे पास आओ, और आओ नहीं मैम आओ आओ आराम से, यह हाथ भी नीचे करने की कोशिश करो, चलो अब यहाँ पे बिल्कुल खाली हो चुका है, इसलिए यहाँ पे चल सकते हैं, मुझे की कोशिश किया ना मेरे को बिना पकड़े, पर जा अब ना चलने की कोशिश कर, चलो आराम से कुछ नहीं होता, आराम से चलो चलो, अब यहीं पे से मुड़ जाओ, यहीं पे से मुड़ जाओ, यहीं पे से मुड़ जाओ, यहीं पे से उतना दूर कहाँ जा रही, हाँ मुड़ जा मुड़ जा, अपना वजन थामने की कोशिश किया करो, थोड़ा कभी कभी ना लाठी को छोड़ के चलने की कोशिश किया करो, श्री की एक्सरसाइज तो हमने करवा दी है, तो अभी मैं और मेरी बहन जा रहे हैं थोड़ा सा गोलगप्पे खाने, हर दिन हम मोमोज वगैरह खाते हैं, आज गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, चलते हैं, चलिए एक सेकंड रुक जाओ, खुले पैसे लेके जा रहे हैं, खुले दिख भी नहीं रहोगे अब मेरे, तो पहुंच चुके हैं हम टिक्की खाने, और अक्सर हम कभी भी कहीं भी कोटद्वार मार्केट भी चले जाएं तो हम यहाँ की टिक्की खाना नहीं भूलते हैं, हम यहाँ आके जरूर टिक्की खाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, हम अकेले कभी नहीं खाते हैं, हम मम्मी और भाई के लिए भी लेके आए, क्यों रो रही, मैं सोचा रो रही है, तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को रखेंगे इतना ही, आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं सोनम मिलती हूँ आप सभी को अपने नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, तो बने रहिएगा सोनम व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिएगा सारे अपने।